हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी। इंग्लिश एकेडमी की इस वीडियो में आज हम 200 मोस्ट रिपीटेड इडियम्स जो एसएससी के एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं, एसएससी के एग्ज़ाम में ही नहीं, एसएससी के अगर आप इडियम और फ्रेज कर लेते हो तो किसी भी एग्ज़ाम में आप मार नहीं खाओगे। मोस्टली चाहे वो एनडीए का हो, चाहे सीपीए का हो, चाहे स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम हो। तो 200 जो सबसे ज़्यादा रिपीट जो किए गए हैं इडियम और फ्रेज एसएससी के अंदर, उन सभी को हम लर्न करेंगे। इस वीडियो में हम 5 या 6 जो है एडियम करेंगे, तो इनको आप ध्यान से देखना और अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लेना ताकि आप इनको बार बार रिवाइज कर सको। तो शुरू करते हैं। पहला हमारा एडियम है ए रेड लेटर डे। इसका मतलब होता है महत्वपूर्ण दिन। ये जो एडियम है ये 10 बार पूछा जा चुका है एसएससी के अंदर। महत्वपूर्ण दिन को कहा जाता है ये रेड लेटर डे। इंग्लिश में आपको ऐसे मिलेगा जिसमें ऑप्शन भी मिलेंगे, एन इम्पोर्टेंट डे यानी कि महत्वपूर्ण दिन, या बोल सकते हैं ए डे दैट इज प्लीजेंटली नॉट वर्दी, एक ऐसा दिन जो बहुत ज़्यादा प्लीजेंट है। प्लीजेंटली एल वाई लग गया तो ये एडवर्ब बन गया, नॉट वर्दी है आपके लिए बहुत ही कीमती है ना, या फिर मेमोरेबल है वो दिन आपके लिए बहुत ही यादगार है, ऐसे भी बोल सकते हैं। या फिर हैप्पी एंड सिग्निफिकेंस डे, बहुत ही हैप्पी डे और बहुत ही सिग्निफिकेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन, या ऐसे भी पूछ लिया जाएगा ए वेरी स्पेशल डे। इन सभी का मतलब ऑल ऑफ दिस मीन्स यानी ए रेड लेटर डे, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन। एग्जाम्पल से देखते हैं इसको। सैम एंड स्यू, सैम एंड स्यू लाइक टू सेलिब्रेट, यानी ये दोनों लाइक करते हैं सेलिब्रेट करना देयर रेड लेटर डे, अपना उस इम्पोर्टेंट डे को एलोन अकेले दोनों सेलिब्रेट करना चाहते हैं। एंड आउट और बाहर जाना चाहते हैं वैकेशनिंग समवेयर, और छुट्टियां मनाने के लिए, अपने से मेमोरेबल बनाने के लिए इस दिन को कहीं बाहर जाना चाहते हैं। एक और एग्जाम्पल है इसका, द डे आई फर्स्ट सेट फुट, जिस दिन मैंने पहली बार कदम रखा इन USA यानी अमेरिका के अंदर, वाज ए रेड लेटर डे फॉर मी, यानी जब मैं पहली बार अमेरिका गया और मैंने वहाँ कदम रखा, वही दिन मेरे लिए जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन था। दूसरा हमारा एडियम है फेस द म्यूजिक, यानी किए का जो भी आपने किया है उस किए का परिणाम भुगतना, उसको कहा जाता है फेस द म्यूजिक, यानी इंग्लिश में टू एक्सेप्ट अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेज। जो कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब होता है रिजल्ट, आउटकम, परिणाम, जो भी आपने जो चीज़ की है उसका जो परिणाम है वो है अनप्लीजेंट है, मतलब आपको निराश कर देने वाला है, उसको एक्सेप्ट करना, या टू बियर सहन करना द कॉन्सिक्वेंसेज, जो भी परिणाम उनको सहन करना, या गेट रिप्रीमांडेड, रिप्रीमांड का मतलब होता है चाइड करना, डांटना, धमकाना, या एक्सेप्ट द ब्लेम, जो भी ब्लेम है उसको आप स्वीकार कर लेना, उसको कहते हैं फेस द म्यूजिक। एग्जांपल देखते हैं, आफ्टर सेवरल इयर्स ऑफ चीटिंग हिज एम्प्लॉयर्स, आफ्टर बाद में, सेवरल मीन अनेक, कई सालों तक चीटिंग करने के बाद अपने एम्प्लॉयर के साथ, द एम्बेजलर फैमिली, एम्बेजल का मतलब होता है गबन करना, और जिस फैमिली ने गबन किया वो हो गया एम्बेजलर फैमिली, तो जो फैमिली जिसने गबन किया था हैड टू फेस द म्यूजिक, उसे है ना, उसने जो गलत काम किया एम्बेजलमेंट का, गबन का, उसके लिए उसे अपने जो काम किया था उसको आउटकम जो परिणाम है वो भुगतना पड़ा। तीसरा आइडियम है टू स्मेल ए रैट, इसका मतलब होता है डाउट होना, संदेह होना, या आपको दाल में कुछ काला लगना, यानी कि एक मुहावरा है ये, दाल में काला दिखाई देना, डाउट होना, सस्पेक्ट, शक होना, समथिंग इज रॉन्ग, कि कोई काम गलत हो रहा है उस पर आपको डाउट हो गया, एस्पेशली ए बिट्रेयल, विशेष तौर पर जब आपको ये डाउट हो कि मुझे चीटिंग की जा रही है, मेरे साथ बिट्रे किया जा रहा है ऑफ सम काइंड, किसी प्रकार का आपके साथ धोखा हो रहा है, तब आपको डाउट हो, उसको कहते हैं टू स्मेल ए रैट। एग्जाम्पल से देखते हैं इसको भी, ही हैज़ बीन वर्किंग लेट विद हर, ही का मतलब ये प्रोनाउन है, कोई भी हो सकता है इसका नाम, ये वर्किंग कर रहा था, काम कर रहा था लेट, काफ़ी लेट तक, विद हर मतलब ये भी प्रोनाउन है, फीमेल है, एवरी नाइट, हर रोज़ रात को इसके साथ लेट तक कार्य कर रहा था, दिस वीक, इस सप्ताह, आई स्मेल रेट, तो मुझे इन दोनों पर क्या हुआ, डाउट हुआ, मुझे लगा कि दाल में कुछ काला है, कुछ गड़बड़ है, कि लेट तक क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। फोर्थ एडियम है ए वाइल्ड गुड चीज, ए वाइल्ड गुड चीज का मतलब होता है निरर्थक खोज या निरर्थक प्रयास,
ए फ्यूटाइल, फ्यूटाइल का मतलब होता है बेकार व्यर्थ, सर्च, जब आप बेकार में व्यर्थ में कोई चीज़ सर्च करते हो, इन वेन, व्यर्थ में, या फिर बोल सकते हो अनप्रॉफिटेबल एडवेंचर, जो भी आपने एडवेंचर किया है वो उसका कोई फायदा नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड ए वाइल्ड गुज सीज। इसको भी एग्जाम्पल से देखते हैं ताकि हमारे अच्छी तरह समझ में आ जाए। आफ्टर 2 आवर्स स्पेंड वेंडरिंग इन द स्नो, यानी 2 घंटे हो गए मुझे, मैं स्नो के अंदर वेंडर कर रहा था, घूम रहा था, देन आई रियलाइज, तब मुझे रियलाइज़ हुआ वी वर ऑन ए वाइल्ड गुड चीज, कि हम बेकार में निरर्थक प्रयास कर रहे हैं। 5वां हमारा एडियम है बाई फिट्स एंड स्टार्ट, इसका मतलब होता है अनियमित रूप से, अनस्टडी, स्टडी मीन होता है स्थिर, अनस्टडी मीन अस्थिर, यानी कि इरेगुलरली, अनियमित रूप से। रिप्लाइज टू द एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन के जो रिप्लाइज हैं आर अराइविंग, वो अराइव हो रहे हैं, रिसीव हो रहे हैं इन फिट्स एंड स्टार्ट, यानी कि रेगुलर रूप से जो हैं विज्ञापन के जो रिप्लाई हैं वो नियमित रूप से रिसीव नहीं हो रहे हैं, वो अनियमित रूप से रिसीव हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड बाई फिट्स एंड स्टार्ट। और आज की वीडियो का जो लास्ट एडियम है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी 8 बार पूछा जा चुका है, इससे पहले वाले जितने भी एडियम थे मैं वो बताना भूल गया, 9 या 10 से बार पूछे जा चुके हैं 5 के 5 एसएससी के अंदर। 6ठा है, ये 8 बार पूछा जा चुका है, ए हार्ड नट टू क्रैक, ए हार्ड नट या ए टफ नट दोनों बोल सकते हैं, टू क्रैक इसका मतलब होता है टेढ़ी खीर, मुश्किल काम, या लोहे के चने चबाना, इसका मतलब ये होता है, डिफ़िकल्ट टास्क को कहा जाता है, ये वस्तु भी हो सकती है, पर्सन भी हो सकती है, ए पर्सन हु इज़ अनेबल टू अंडरस्टैंड, जिसको आप समझ नहीं सकते, ए डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम टू सोल्व, ऐसी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम जिसको सोल्व नहीं किया जा सकता, ए टफ चैलेंज भी बोल सकते हैं। इसको भी एग्जाम्पल से देखते हैं, दिस असाइनमेंट, जब आपको कोई असाइनमेंट दिया जाए स्कूल में, इज ए हार्ड नट टू क्रैक, यानी उसको करना आपके लिए टेढ़ी खीर है, या लर्निंग ए न्यू लैंग्वेज इज ए हार्ड नट टू क्रैक, नई लैंग्वेज सीखना भी क्या होता है, बहुत ही टेढ़ी खीर होता है, बड़ा मुश्किल काम होता है। उम्मीद करता हूँ कि कंटेंट आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हैव अ नाइस डे।